हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा क्रिकेट प्रोडक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच नंबर 27 के बारे में। देखो, 27 मैच का मतलब है सिर्फ 54 मैच हैं इस वर्ल्ड कप में। अब 27वां मैच खेला जा रहा है तो ये मान लो आधा वर्ल्ड कप फिनिश हो चुका है, और कुछ दिन बाद 5-7 दिन बाद ये लीग वाले मैच खत्म हो जाएंगे, फिर सुपर 8 के अच्छे मुकाबले चलेंगे। और ऐसा नहीं है कि इस वर्ल्ड कप में ये मुकाबले अच्छे नहीं हुए हैं, छोटी टीमों ने बहुत अच्छा फाइट करा है, चाहे वो USA रही हो, ठीक है, नीदरलैंड रही हो, कनाडा रही हो, अच्छी खेली है टीमें, नो डाउट। तो ये जो मुकाबला है 13 जून को खेला जाएगा शाम 8 बजे से। इसका जो वेन्यू रहेगा अर्नॉस वाले स्टेडियम और सेंट विंसेंट यानी वेस्ट इंडीज में ये मुकाबला खेला जाएगा। ये बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच मुकाबला खेला जाएगा। तो दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ देखेंगे जाके तो हमारा लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे और ज्वाइन हो जाएंगे। किसी भी भाई को ज्वाइन होने में दिक्कत हो रही है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा नंबर है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 84 47 93 53 97, ठीक है, हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करवा देंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, 4 से 5 मिनट आपके लूंगा। वीडियो में आपको बताया जाएगा कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, पुराने रिकॉर्ड्स क्या हैं, और इस वेन्यू पर कौन सी टीम स्ट्रांग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश के प्लेइंग 11 के बारे में। ओपनिंग देखो, पहले नजर डाल लीजिए पॉइंट टेबल में क्या स्थिति चल रही है। अपने ग्रुप में बांग्लादेश की टीम दूसरे नंबर पर है, 2 मैच खेली है, 1 जीती है और 1 हारी है, ये विन और ये लॉस, ठीक है ना, दूसरे नंबर पर है। अब जो इसका मुकाबला है, अगर ये मुकाबला जीत जाती है, ठीक है, तो ये पहुंचने के बहुत करीब हो जाएगी इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई यानी करने के लिए सुपर 8 के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली 4 पॉइंट हो जाएंगे 3 मैच में। फिर इसके बाद एक मुकाबला और बचेगा, वो नेपाल से होगा, और नेपाल से तो जीतने के चांस बांग्लादेश के ऑब्वियसली 90% रहेंगे। हाँ, ये मुकाबला अच्छा हो सकता है बांग्लादेश और नीदरलैंड का। तो ओपनिंग की बात करें, तंजीद हसन है, नजरुल हसन सोन तो कप्तान हैं, लिट्टन दास हैं, साकिब अल हसन हैं, तोहिद हिरदो हैं, तेज खेलते हैं, पिछले मैच में भी अच्छे स्कोर किया था इन्होंने, भले टीम हार गई थी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर यही था इनका 30-35 रन शायद। महमूदुल्ला हैं, जाकिर अली हैं, तो ये 7 नंबर तक इनके पास प्रॉपर बैट्समैन हैं। बॉलिंग की बात करें, तस्कीन अहमद हैं, मुस्तफ़ी रहमान हैं, रिशाद हुसैन हैं, तंजीम हसन साकिब हैं। देखो, इन बॉलर ने बहुत प्रभावित किया है, अच्छी गेंदबाजी कराई है और अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो मज़ा आएगा काफ़ी। दूसरी तरफ बात करें हम नीदरलैंड की, नीदरलैंड के पॉइंट टेबल की बात करते हैं। नीदरलैंड इसी ग्रुप में है और नंबर 3 पर चल रही है, 2 मैच खेली है, 1 जीती है, 1 हारी है, यानी बांग्लादेश के जस्ट पीछे है, पीछे भी सिर्फ पॉइंट्स के आधार पर है। अब बांग्लादेश का, अब जो नीदरलैंड के मुकाबले हैं, ये वाला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ है, इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ है। अगर ये दोनों मुकाबले हार जाती है तो बाहर हो जाएगी, और एक भी मुकाबला जीत जाती है तो ये बनी रहेगी इस सुपर 8 की दौड़ में, ठीक है। फिर हो सकता है नेट रन रेट के आधार पर रिजल्ट वगैरह निकले इनका, क्योंकि एक टीम है साउथ अफ्रीका, वो तो क्लियर पहुंच चुकी है, क्वालिफाई कर चुकी है, 3 के 3 मुकाबले जीती है, ठीक है। और स्टार्टिंग में लोगों ने अनुमान लगाया था कि जो ग्रुप डी है, जिसमें ये टीमें हैं साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नेपाल, श्रीलंका, कि श्रीलंका और साउथ अफ्रीका आराम से पहुंच जाएंगी, जबकि श्रीलंका 3 मैच खेली है, 2 मैच हारी है और 1 मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला है, तो श्रीलंका तो ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है ये मान के चलो। अब बात करते हैं इसकी बैटिंग लाइनअप की, तो माइकल लेविट हैं, मैक्स ऑर्डर हैं, विक्रमजीत हैं, सेव रैंड हैं, वाजडे लीड हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, स्कॉट एडवर्ड कप्तान हैं इस टीम के, तेजा निदा मनुरू हैं और लोगन वान बीक हैं, यानी 8 नंबर तक हैं इस टीम के पास बैट्समैन, 7 नंबर तो मान के चले प्रॉपर। और बॉलिंग की बात करें तो वान बीक भी अच्छी कराते हैं, टिम पेंगल अच्छी कराते हैं, सबसे मैन गेंदबाज हैं इनके मिकिरन, पॉल वान मिकिरन, फिर हैं इनके विवियन किंगमा, इन्होंने भी अच्छी कराई थी गेंदबाजी। तो देखो, गेंदबाजी बैटिंग ठीक है नीदरलैंड की, ऐसा नहीं है, नीदरलैंड भी टीमों को हराया है, साउथ अफ्रीका को भी हरा चुकी है एक बार, तो मुकाबला अच्छा हो सकता है ये भी, जिस तरीके की पिच है। और ये ऐसा नहीं है कि ये अफ्रीका में खेला जा रहा है अर्नॉस वाले ग्राउंड स्टेडियम सेंट विंसेंट वेस्ट इंडीज में, तो वेस्ट इंडीज के हालात बदल जाएंगे। एवरेज स्कोर पर नजर डालो इस पिच की, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, एवरेज स्कोर 144 है, यानी यहाँ भी आपको 150-160 पे अच्छी वाली फाइट देखने को मिलेगी। स्लो ग्राउंड है ये भी, स्लो पिच है, 2 मुकाबले खेले गए हैं अभी तक सेंट विंसेंट वेन्यू पर, 1 जीती है फर्स्ट बैट और दूसरा मैच जो जीती है वो जीती है सेकंड बैट, ठीक है ना, तो काफ़ी मज़ा आएगा मुकाबला देखने में। अब बात करते हैं हेड टू हेड मुकाबलों की, हेड टू हेड का सबको पता है ऑब्वियसली, बांग्लादेश और नीदरलैंड, टोटल 4 मुकाबले खेले गए हैं, बांग्लादेश की टीम ने 3 जीते हैं और नीदरलैंड ने एक बार इन लोगों को हराया भी है, ठीक है ना,
तो जब एक बार टीम हरा सकती है दोबारा भी हरा सकती है, तो मजा आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टीम जीत जाएगी, हाँ ये कह सकते हैं 60% चांस रहेंगे बांग्लादेश के, 40% चांस रहेंगे नीदरलैंड के। बाकी कोई भी अपडेट होगी टेलीग्राम पर मिलेगी। अब बात करते हैं की प्लेयर्स के बारे में। देखो की प्लेयर्स टोटल 12 हैं, 12 में से आप अपना 10-11 चुन सकते हैं, जिसको जो भी टीम बनानी है जैसे भी करना है। तो बांग्लादेश की तरफ से आप सैंटो, लिट्टंडा, साकिब अल हसन, हिरदॉय, इन्हें ले सकते हैं एज बैट्समैन। बॉलिंग में आप तंजीम हसन और तस्कीन अहमद को ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ने अच्छी गेंदबाजी कराई है अभी तक। नीदरलैंड की तरफ से एज बैट्समैन आप मैक्स ऑड को ले सकते हैं, विक्रमजीत सिंह को ले सकते हैं, स्कॉट एडवर्ड को ले सकते हैं, वॉश डे लीडे को ले सकते हैं एज बैट्समैन। बॉलिंग में लोगन वन वीक और पॉल मिकेरन, इन्हें ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही अच्छी क्वालिटी बॉलर हैं। तो ये हो गए इनके की प्लेयर्स। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिस भी भाई ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। विनिंग टीम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप पे मिलेगी, दोनों चीज ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।